बॉलीवुड स्टार्स के बॉडीगार्ड्स के बाद अब इनके मैनेजर्स की महाना और सालाना तनख्वाहों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। बॉडीगार्ड्स की तरह ही बॉलीवुड शख्सियात ने अपने लिए मैनेजर्स भी रखे हुए हैं जो कई सालों से इनके करियर को मुनज्जम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स तक पहुँचने के लिए इनके मैनेजर्स से राबता करना पड़ता है, इनके बाद ही इन मारूफ शख्सियात से राबता मुमकिन हो सकता है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बॉलीवुड स्टार्स के मैनेजर्स इनसे भी ज़्यादा कमाई करते हैं। आइए जानते हैं ये अदाकार अपने मैनेजर्स को कितनी तनख्वाह देते हैं और सबसे ज्यादा तनख्वाह किस स्टार के मैनेजर लेते हैं। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान के मैनेजर जोर्डी पटेल गुज़श्ता एक दिहाई से अदाकार के मैनेजर होने के साथ साथ इनके प्रोड्यूसर भी हैं। भारतीय मीडिया पर जोर्डी पटेल की सालाना तनख्वाह की तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन इनके कुल असासों की मालियत तकरीबन 40 करोड़ भारतीय रुपए बताई जाती है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के मैनेजर का नाम पूजा ददलानी है, जो साल 2012 में किंग खान के लिए बतौर मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पूजा ददलानी की सालाना तनख्वाह 7 से 9 करोड़ भारतीय रुपये है, जबकि ये बॉलीवुड शख्सियात के मैनेजर में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाली मैनेजर भी हैं। करीना कपूर की मैनेजर पूनम दमानिया गुज़श्ता 10 सालों से अदाकारा के लिए मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं और इनकी सालाना तनख्वाह 3 करोड़ भारतीय रुपए है। बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर एंजोला आचार्य की सालाना तनख्वाह तकरीबन 6 करोड़ भारतीय रुपए है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह अपने मैनेजर सुजन रोड ग्रीस को सालाना 2 करोड़ भारतीय रुपए तनख्वाह देते हैं।